नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स पर आज हमारा ये दूसरा वीडियो है और क्लास इक्वली यूजफुल है दूसरे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ओके, आज जनरल मैथमेटिक्स पर बात करेंगे और डिविजिबिलिटी पर बात करेंगे। डिविजिबिलिटी के अलावा भी कुछ दो चार चीजें इसमें और रहेंगी। 10 क्वेश्चंस की क्लास है और इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज ऐसी टेक्टिक्स पर बात करेंगे जिसमें आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी के रूल्स अप्लाई करने की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इस चीज को देखते हुए कि आपको बहुत लिमिटेड समय में गणित के ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे मैं आईबीपीएस की बात ही करूं तो आपको 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो डिविजिबिलिटी एक ऐसा एरिया ऑफ मैथमेटिक्स है जो आपको जिसमें आपको हर हालत में मास्टरी होनी चाहिए। ये आपका जो समय है उसको बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस करता है किसी क्वेश्चंस को करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं आप आज की क्लास। और इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी रहेंगे कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस ह्यूज नंबर इज डिवाइडेड बाय 32। शॉर्टकट लगाएंगे इसमें, तो लेट अस स्टार्ट। तो डिविजिबिलिटी में आपको आज कुछ समझा रहा हूं और कुछ डिविजिबिलिटी में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 6 की, तो 2, 3 और 4 में इसलिए नहीं समझा रहा हूं, 2, 3, 4, 5 मैं क्विकली यहां बोल देता हूं कि 2 समझाने का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपको इकाई का अंक इवन मिलता है, इवन या जीरो, तो वो संख्या हर हालत में 2 से डिविजिबल होती है। 3 का शॉर्टकट मैं पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुका हूं। 3 का शॉर्टकट में क्या होता है कि आप संख्या में जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए और अगर सम 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल है। 4 बहुत सिंपल है, 4 के लिए आप 2 फिगर उठाइए, ये वाली, अगर इन 2 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। तो आप अगर आप यहां देखें 54 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। 5 बहुत सरल है, 5 का सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर यूनिट डिजिट इकाई, अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो अब हम 6 पर आते हैं, तो 6 में ऑब्वियसली 6 इज इक्वल टू 2 × 3, यानी कि ये जो संख्या दी गई है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये हर हालत में 2 से तो होगी, 3 से चेक हमको और करना है। तो 4 और 5 9 और 2 11 4 15 16 5 21 6 27 7 34 और 8 42। तो चूंकि 42 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, 2 से हो ही रही है, तो इस प्रकार ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी। ओके, 8 में हम क्या करते हैं कि हम 3 डिजिट देखते हैं। इसको थोड़ा समझिए, इसको मैं आगे अभी आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट देने जा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि ये 32 से डिवाइड होती है कि नहीं, 64 से डिवाइड होती है कि नहीं संख्या। तो इसका एक बहुत सिंपल था शॉर्टकट मैं अभी इसी क्लास में आपको आगे दूंगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जब हम 2 को देखते हैं, जब हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो सिर्फ पहली संख्या देखते हैं, पहली डिजिट है ना, सिंपल, यानी कि 2^1 = 2। जब हमको 2 से चेक करना होता है तो हम ये पहली संख्या देखते हैं, पहली डिजिट। जब हमको 4 से चेक करना होता है, मैंने यहां 4 से चेक में हमने 2 डिजिट देखी, तो जब हमको 4 बराबर होता है 2^2 = 4, तो ये जो 2 डिजिट, 2 जो ऊपर लिखा आ रहा है, इन 2 डिजिट से बनने वाली संख्या को देखते हैं। इसी प्रकार जब हमको 8 देखना होता है तो 2^3 = 8, तो ये जो 3 डिजिट से संख्या बन रही है अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो इसी शॉर्टकट को, ये जो शॉर्टकट मैं आपको समझा रहा हूं, जनरली ये क्लास में मिलता नहीं है, किताबों में मिलता नहीं है, तो इसी शॉर्टकट को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा 2^4 यानी कि 16 में, 2^5 = 32 में, 2^6 = 64 में। सिर्फ इसलिए आपको ये बतानी है, सब चीजें जरूरी हैं, क्योंकि इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं और आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैथ्स एंड नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, और मैथ्स स्टूडेंट्स के पास जो है सफलता, सफल होने का प्रतिशत वो निश्चित 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 रूप से ज्यादा होता है। तो अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए, इससे आपको किसी भी एग्जाम में, चूंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर एग्जाम में जो करिकुलम होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो यदि आपका गणित अच्छा है तो इससे आपको एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में बहुत 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 मदद मिलेगी। सो लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन। 754 अगर 8 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। सो 754 को 8 से देख लेते हैं, तो 8 × 9 = 72 और 3 = 34 8 + 32, तो ऑब्वियसली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इसी को मैंने आगे लिख दिया है, ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि 8 से डिवाइड कब होगा, जब ये लास्ट की 3 डिजिट यानी
इकाई ढाई सैकड़ा, या अगर इनसे बनने वाली संख्या 8 से डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं। और ये वही लिखा हुआ है जो मैंने भी आपको समझाया था यहां पर इस जगह, ये तो इसको मैंने यहां लिख दिया है कि 2 की घात n देखते हैं, तो अगर 2 की घात n से लास्ट की n डिजिट, जितनी भी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, अगर उन डिजिट से बनने वाली संख्या 2 की घात n से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 की घात n से डिविजिबल होता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। चेक इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो इसका शॉर्टकट समझिए और वो ये है। अच्छा हाँ, एक चीज और, 6 तक आप समझ गए, 7 में एक स्ट्रेटेजी लगती है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, उसमें एक स्पेशल टूल लगता है। 8 मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में समझा दिया और 9 पर हम लोग यहां बात कर रहे हैं, 7 को मैं नेक्स्ट में लूंगा। तो 9 में क्या हम करेंगे कि ये जितने भी डिजिट्स हैं इन सबका सम कर लेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स हुआ 8 और 7 15 और 9 24 25 और 6 31 4 35 3 38। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। तो यहां पर 3 4 7 6 13 14 14 और 9 23 और 8 31 7 38, तो ये 38 चूंकि 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। वर्चुअली ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 38 अपने आप में 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या ना तो 3 से कटेगी, जब 3 से नहीं कटेगी तो 9 से तो कटेगी नहीं। ओके, तो हमारे लिए एक दूसरा शॉर्टकट ये भी है, दूसरा, कि आपको अगर 9 से नहीं भी चेक करना हो आप 3 से कर लें, चूंकि 3 का पहाड़ा आसान होता है, तो 3 से भी अगर ये नहीं कटती, तो अगर ये 3 से नहीं कट रही है तो ऑब्वियसली ये 9 से भी नहीं कट रही है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज, ये ह्यूज नंबर इज डिवाइडेड बाय 32। अब ये देखिए वही चीज है जो मैं आपको समझा रहा था, 32 इक्वल टू 2 की घात 5। तो हम 5 डिजिट उठा लेंगे, 5 डिजिट 98762। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये 32 से कटता है या नहीं, अगर 32 से कटता है तो ये पूरी संख्या 32 से कटेगी, तो 98762 अपॉन 32 करना है। अब ये 4 से भी नहीं कट रहा, क्यों, क्योंकि 62 4 से नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या 32 से नहीं कटेगी, क्योंकि 32 इज इक्वल टू 4 × 8, तो 4 से ये तो कट रहा है लेकिन ये 62 नहीं कट रहा, तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कट रही, अर्थात ये पूरी संख्या 32 से नहीं कटेगी। सिंपल सा शॉर्टकट है, 30 सेकंड मैंने दिए जरूर है लेकिन ये हार्डली 10 सेकंड की बात है। करेक्ट, नेक्स्ट लेते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इसमें रिमाइंडर पूछा था तो अब हमको इसको एक्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा। सो 32 दिया 96, 8 में से 6 गया 2, इसीलिए अच्छा मैंने 30 सेकंड दिए। ओके, 27 भाग नहीं जाता, 6 3 9 27, 9 से नहीं जाएगा, 8 2 16, 8 3 24 और 1 25, 202, 3 6 18, 3 7 21, 6 6 2 12, 6 3 18 और 1 19, 10 शेष बचेगा। सिंपल, नेक्स्ट, तो ये मैंने कर दिया है। अब ये मैंने 2 सेकंड दिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको 2 सेकंड दिए, जो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से टफ लग रहा होगा। आप, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये जो शॉर्टकट की सीरीज मैं आपको चला रहा हूं, आपके लिए बना रहा हूं, ये आपको निश्चित रूप से, चूंकि आपको भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं जिसमें मैथमेटिक्स हमेशा एग्जाम की क्यूरिकुलम का इंटीग्रल पार्ट होता है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ये बहुत मदद करने वाली है ये सीरीज। अब ये देखिए कि ये मतलब 2 सेकंड भी ज्यादा है इसके लिए, मैं इसको देखते इमिडिएटली यहां निशान लगा दूं। अब मैं इसको कैसे कर रहा हूं, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि जब हमको ये दिया गया है x+1 / x = 2, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन x = 1, तो 1+1/1 = 2। अब ये क्यों ऐसा है ये भी मैं आपको यहां समझा देता हूं कि अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है, तो इट इज इक्वल टू 2x, सो इट इज x² - 2x + 1 = 0, इट इज x - 1 होल स्क्वायर = 0। तो जो x की दो वैल्यू आई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दो वैल्यू मिलेंगी x की और यहां पर दोनों वैल्यू सेम है, तो x = 1, तो इमीडिएटली 1, तो ऑब्वियसली यहां पर भी x = 1, तो 1 की कोई भी पावर हो इट इज ऑलवेज 1, 1 की पावर 121 + 1, सो इट इज इक्वल टू 2। तो मैंने यदि इसके लिए 2 सेकंड्स भी दिए हुए हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत 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 ज्यादा है। ओके, सिंपल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहां पर भी 5 सेकंड दिए हुए, बट द आंसर में कितना समय लगना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज द आंसर। यहां पर देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया x+1/x = जब 2 है तो x = 1 है। सिमिलरली यहां पर है, आप x² को आप y लिख लीजिए, सो बेसिकली इट इज 2 मीन्स y = 1, अर्थात x² = 1,
यही तो निकाला ना हमने, अर्थात x बराबर प्लस माइनस वन। अब यहां पर एक चीज आपको जरूर देखनी पड़ेगी कि जब हम इसको ध्यान रखिए कि जब हम x बराबर माइनस वन लेंगे तो माइनस वन की जब इवन पावर होगी तो ये प्लस वन कर देगी, करेक्ट। लेकिन तो मैंने क्या किया कि x की पावर माइनस वन भी रखी या वन रखी तो ये एक हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नाइन इज द आंसर। लेकिन अगर ये ऐसे रहता, x की पावर 47 हो जाता, बाकी सब ऐसे ही रहता ऐसे, तो इमिडिएटली x की पावर 47 माइनस वन के लिए माइनस वन हो जाता, करेक्ट। तब आपको निश्चित रूप से थोड़ा यहां पर जो ऑप्शन होते उसमें परिवर्तन होता, अर्थात इसका जो आंसर होता वो होता या तो 9 जब आप प्लस 1 ले रहे हैं, लेकिन अगर आप माइनस 1 ले रहे हैं x की वैल्यू तो इस x की पावर 47 होने के कारण ये माइनस 1 होता और ये 1 होता, कैंसिल करता, तो अब आंसर आता 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 9 और 7 ऐसा भी ऑप्शन हो सकता था। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है इसलिए कि जब आपको स्क्वायर दिया गया हो तो आपको इस नजरिए से जो मैंने अभी आपको समझाया इससे भी एग्जाम का परीक्षण करना है। शुरुआत में मैंने इसलिए जोड़ दिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये इवन 48 इवन 42 इवन 36 ये सब इवन नंबर है, तो माइनस वन की जब पावर इवन होगी तो हर हालत में प्लस वन देगी। ओके सिंपल। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को मैसेज बॉक्स नीचे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, 15 सेकंड मैंने इसके लिए दिए हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो यूनिट डिजिट इकाई की संख्या मांगनी है, जाननी है हमको जब हम इसको गुणा करके इसमें ये जोड़ दें। हमेशा ध्यान रखिए कि जब मैं इकाई की संख्या की बात करता हूं तो मेरे लिए इस दहाई की संख्या का कोई रेलिवेंस नहीं है, करेक्ट, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इट इज 2 × 7 = 14, 14 × 7 = 98 और पहाड़े जरूर याद कीजिए 25 तक, 8 × 16 = 32 और 8 × 2 = 10, सो 0 इज द आंसर। तो 15 सेकंड भी इसके लिए काफी है मेरे ख्याल से, शॉर्टकट आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट आर द लास्ट टू डिजिट्स इन द प्रोडक्ट, जब हमको दो डिजिट निकालनी हो तो मैं इसको और इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, बेसिकली मेरे को 13 × 67 निकालना है। तो 13 × 97 = 9 हासिल, 13 × 78 = 9 = 87, सो 71 इज द आंसर। तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसने मेरे से सिर्फ 5 सेकंड लिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉड मास लगेगा, तो ये बेसिकली दिया हुआ है, डिवीजन पहले होता है, बॉड मास डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, सो इट इज करेक्ट। अब आप यहां जो शॉर्टकट लगा हुआ है अगर आप इसको कैलकुलेट करने में जाएंगे थोड़ा आपको समय लगेगा, शॉर्टकट समझिए इस चीज का, और शॉर्टकट यहां पर जो लगा हुआ है वो है डिविजिबिलिटी बाई 11। हमेशा ध्यान रखिए, उदाहरण से समझा रहा हूं कि वेन दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, जो भी संख्या है अगर वो जीरो है या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, सो ऑब्वियसली ओके 2 − 5 + 5 − 2, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल टू जीरो, चूंकि ये जीरो आया तो 11 से कटेगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये मैं हटा देता हूं और इसके आगे मैं 100 लगा देता हूं क्योंकि मैंने दशमलव एक एक पॉइंट के दशमलव से हटा दिए। 11 × 22 11 × 22 3 = 35 11 × 3 = 33 2 × 11 = 22 सिंपल, और 2 से फिर कटाइए तो 2 × 1 = 2 और 32 = 16 हो गया, करेक्ट, और 58 × 116 और 2 × 100 = 200, तो इसने मेरे से मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड के बीच में लिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। ओके ये मैंने सॉल्व किया हुआ है आपके सामने। अब इस तरह के क्वेश्चन हालांकि बहुत सरल सवाल है लेकिन जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो ये जो इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू उनको हटा लीजिए, मतलब जैसे समय लगता है 5 × 5 = 3 8 करने में, तो 1 और 1 2 और 2 4 तो आप अलग कीजिए तुरंत, और डिनोमिनेटर चेक कीजिए, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 4 = 7, 7/5 अलग हो गया और 8/9 अलग हो गया, बेसिकली हमको ये निकालना है, करेक्ट। तो 4 अलग रखिए, 9 × 7 = 63 और 5 × 8 = 40 और 5 × 9 = 45, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके सो दिस इज 103/45, ओके सो दिस इज 4 + 103/45, सो दिस इज 4 + 45 = 90 और 13 और बचा 13/45, तो 6 सही 13/45, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से 20-25 सेकंड से ज्यादा में नहीं हुआ। ओके तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी कि जनरल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो भी कितना क्विकली और करेक्टली किए जा सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास जो शॉर्टकट्स पर रहेगी वो रहेगी टाइम एंड वर्क पे, क्योंकि मुझे कुछ मैसेज आए हैं कि टाइम एंड वर्क पर कुछ शॉर्टकट्स में समझाऊं, तो अगली क्लास लेते हैं टाइम एंड वर्क पर। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और रिक्वेस्ट फिर से है कि आप इस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करें, और यदि आपका कोई मैसेज है, कोई आपने सवाल पूछना है, तो आप टेलीग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर दें, ताकि आपका जो क्वेरी है उसको गणित की, इंग्लिश की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, कोई भी क्वेरी है तो आपका किसी क्लास में जवाब दिया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।